अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मटन दम बिरयानी की, एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को हम बना सीख लेते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने 600 ग्राम मटन लिया है, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, और इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर नमक आधी छोटी चम्मच, और इसमें हम दही मिला देंगे लगभग 100 ग्राम के करीब। दही इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम आपस में। तो यहाँ पर हमारा मटन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब इसको एक घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ केसर के दाने लिए हैं, तो इसमें हम दूध में इसको भिगो देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा हमारा जो खुशबू आएगी बिरयानी में। इसके बाद यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम तेल ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में, और तेल को यहाँ पर गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, यहाँ पर हमने 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 यहाँ काली मिर्च, और आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है। सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे, और इसी के साथ 2 तेज़पत्ता डाल देंगे इसमें, और इसको यहाँ पर हम चला लेंगे, हल्का सा चटका लेंगे मसालों को। इसके बाद इसे हम डाल देंगे यहाँ पर प्याज। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, ये हमने यहाँ पर प्याज ली है। सारी प्याज को हम कुकर में डाल देंगे और हल्का सा इसको पकाएंगे। एक आध मिनट तक के लिए इसको हम इस तरह से प्याज को चला देंगे। तो एक मिनट के बाद इसमें हम सारा मटन ऐड कर देंगे, जो हमने मैरिनेट किया हुआ मटन रखा है वो सारा इसमें ऐड करेंगे। चला देंगे इसको। तो हमें यहाँ पर मटन को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, चला देंगे इसको। अब इसको यहाँ पर हम सीटी लगाकर, 2 सीटी लगाकर इसको हम पकाएंगे यहाँ पर मटन को। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है, इसको हम कवर कर देंगे। तो हमने 2 सीटी आने के बाद यहाँ पर कुकर के कवर को खोल लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ, धनिया ये पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर पिसा हुआ आधी छोटी चम्मच के करीब। इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर ये बिरयानी मसाला हमने लिया है, इसमें आधी छोटी चम्मच के करीब ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर ये अदरक हमने यहाँ पर काटा है जूलियन साइज़, ये सारा अदरक इसमें ऐड करेंगे। और अदरक को ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे यहाँ पर। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से यहाँ पर हम गोश्त को भूनेंगे मसालों के साथ। 5 से 10 मिनट तक इसको हमें भूनना है। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं। भून लेंगे इसको हम बढ़िया तरीके से भूनेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने एक भगोने में पानी लिया है, तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर एक बड़ी इलायची, 4 हम यहाँ पर हरी इलायची इसमें ऐड कर देंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, हमने यहाँ पर 4 लौंग ली है वो इसमें ऐड कर देंगे, 2 तेज़पत्ता इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे अब यहाँ पर नींबू का रस, 1 नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे। और नींबू का रस डालने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, खूब सारा नमक इसमें ऐड कर देंगे, और इसको यहाँ पर उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम सारे चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम चावल लिए थे, जिसको हमने यहाँ पर 1 घंटा भिगा कर रखा था पानी में। आप चाहें तो कच्चा बासमती का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर गोल्डन सैला चावल का इस्तेमाल किया है। सारा चावल इसमें ऐड कर देंगे, 400 ग्राम चावल 600 ग्राम गोश्त के लिए, और इसको यहाँ पर हम उबालेंगे चावलों को अच्छी तरह से। अब इन चावलों को यहाँ पर उबालेंगे अच्छी तरह से। तो हमें यहाँ पर चावल को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और हमारे यहाँ पर चावल है देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल बॉइल्ड हो चुका है।
80% इसको हमने पकाया है। अब इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और चावल को अलग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर चावल अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुके थे। अब यहाँ पर हमने एक भगोने में गोश्त को रख दिया है, सारे गोश्त को कुकर में से निकाल कर भगोने में कर लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे सारे चावल। और चावल को डालने के बाद इसमें डाल देंगे यहाँ पर अचार की मिर्चें, चिली पिकल इसमें हम ऐड करेंगे इस तरह से काट कर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ना डालें। और ये अचार की मिर्चें डालने के बाद इसमें डाल देंगे केसर वाला दूध जो हमने बनाया था, वो सारा दूध इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसे हम डाल देंगे यहाँ पर देसी घी, ये बहुत बढ़िया खुशबू हमें देगा यहाँ पर बिरयानी में जब इसको हम दम लगाएंगे, तो ये देसी घी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसे हम डाल देंगे यहाँ पर अदरक बारीक कटा हुआ और साथ इसमें फ्राइड ऑनियन यानी भुनी हुई प्याज ये इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम दम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको हम कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। और इसको कवर करने के बाद हल्की आंच पर इसको हम बिल्कुल रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो हमें यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर को खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मटन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी बढ़िया। यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्दी ही लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, सुरक्षित रहिए। अल्लाह हाफिज़।